एबरार को बेखैर 6-7 महीने हो गए इंडिया का ट्रिप किए हुए, उनका चैनल को बड़े फेमस जी जी, वो अच्छे हमारे हमारे एक दोस्त भी हैं और हमारे हमसाए भी हैं ननकाना साहब से। अच्छा। तो उन वो देख लें, वो भी उस मुल्क में गए हैं, उधर देखें जाके कि उधर उन्होंने जो चीज़ें दिखाई हैं, उनका कल्चर दिखाया है, उसमें उनकी आपने बाइक्स भी देखी होंगी जो लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। बाइक्स को हम छोड़ देते हैं, स्कूटी पर आ जाते हैं, उनके पास देखें स्कूटी में कितनी ऑप्शन हैं। हमारे पास यहाँ पे ले दे के 3 किस्म की स्कूटियाँ हैं, वो भी बेचारी इस तरह की हैं कि उनको कोई मेरे जैसा बंदा चलाएगा तो वो बेचो अधी हो जाएगी। इंडिया में देखें आप उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो हार्ले डेविडसन मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया हुआ है, हार्ले डेविडसन वहाँ पे उन्होंने आम कर दिया हुआ है, हार्ले डेविडसन आम कर दिया। रॉयल एनफील्ड को छोड़ दें, वो तो ठीक है, उनकी बहुत पुरानी बाइक है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया जिस तरह हमारे पास होंडा है, रॉयल एनफील्ड तो बहुत पुराना है, उन्होंने तो हार्ले डेविडसन नाम कर दिया वहाँ पे। आप इंडिया से पाकिस्तानी किसी भी बाइक को क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी वो चीज़ें बहुत आगे हैं, बहुत अच्छा बाइक है। इस वक्त जो बाइक्स ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में बाइक्स का, उसमें इस वक्त ये बाइक जो हैं ये बेहतर हैं कि आप ये बाइक लें 5 लाख रुपये में, 4.5 लाख रुपये में, जिसने इतना कुछ चलना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, उससे बेहतर है कि आप थोड़े ज़्यादा पैसे लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों इस वक्त हम फैसलाबाद से कुछ किलोमीटर्स दूर मौजूद हैं, यहां हमारे साथ आप देख सकते हैं कि बाइक्स भी हैं, हैवी बाइक्स। हमें हमारे जो देखने वाले हैं उन्होंने फरमाइश की थी कि रॉयल इनफील्ड क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया जा रहा है, और हमारे एक जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी बाइक दिखाई थी और बहुत पॉपुलर है वहाँ पर। तो हम यहाँ पर जितनी भी बाइक्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो यहाँ के जो शौकीन लोग हैं जिन्होंने अच्छी बाइक्स रखी हैं, उनसे हम ये जानेंगे कि ये बाइक्स का स्टैंडर्ड रॉयल इनफील्ड के मुकाबले में कैसा है, इनकी प्राइस कैसी है और ये किस तरीके से ये अपने शौक को मेंटेन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम सर? खुर्रम। खुर्रम साहब हमें ज़रा दिखाइएगा बाइक जो हैं, ये इनकी क्या खसूसियात है, कितने सीसी की बाइक है, क्या रेट है इनकी और कब से आप ये शौक कर रहे हैं? मैं तो जी ये शौक़ गुज़िश्ता कोई 20 सालों से कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने काफ़ी बाइक चेंज किए हैं, बड़े बाइक भी रखे हैं, छोटे बाइक भी रखे हैं। तो बाकी ये जो बाइक्स हैं ये पाकिस्तान में इस वक्त पॉपुलर बाइक्स यही हैं। अच्छा, ये ज़रा दिखाइएगा हमें एक बाइक। ये यामाहा है जी, ये यामाहा का YBR है जी, और ये YBZ है। इसमें इसके बारे में पहले बताइएगा। ये YBR है जी, 125 cc है। 125 cc जी, ये 125 cc है और ये बहुत पसंद किया गया है पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हमारे पास पहले इतनी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थी जी। ये आया था बाइक 2015 में। इसकी प्राइस क्या है उधर ज़रा देखिए। इसकी प्राइस जो है जी वो तकरीबन 4,50,000 के पास है पाकिस्तानी, और मेरे ख्याल में क्योंकि ये बाइक बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड भी है, ज़्यादा रेट इसका ज़्यादा सुना है, ये इतने का होना नहीं चाहिए, ये 1.5 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखें ना हमारे यहाँ पे एक जो CD70 है उसका रेट ही माशाल्लाह जो है 2.25 लाख रुपया हो गया हुआ है, जो 70 cc मोटरसाइकिल है जिसको ये भी सेम मॉडल है ये दोनों। ये भी यामाहा है, ये भी यामाहा है। ये साथ में स्पोर्ट्स शो खड़ी हो, ये जी टेकन है, टेकन 250 है। अच्छा। और ये बेसिकली एक चाइनीज़ बाइक है और ये चाइनीज़ इम्पोर्ट है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बाइक है। इस बाइक की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि इसका जो ड्राई वेट है वो 138 kg है। अच्छा। 138 kg, तो ये इसकी सबसे बड़ी खसूसियत। आके दिखा दीजिएगा ज़रा चारों तरफ से कैसी बाइक। जी बिल्कुल। और ये बेसिकली एंड्योर कहलाता है, एंड्योरो कहते हैं इसको। अच्छा। ये ऑन रोड ऑफ रोड दोनों जगहों को कैटर करता है, आप इसको जहाँ मर्जी ले जाएँ, पहाड़ों में ले जाएँ। इसकी प्राइस कितनी? इस वक्त इसकी प्राइस थी पाकिस्तानी तकरीबन कोई 14 लाख रुपया है, 14 लाख। अच्छा जी, पाकिस्तानी इसकी जो इस वक्त प्राइस है अगर हम फ्रेश इंपोर्ट करवाते हैं तो 14-14.5 लाख रुपए का नंबर लगने के बाद, हमारे पास पहुंचने के बाद। ये बहुत अच्छा बाइक है। इस वक्त जो बाइक्स ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान में बाइक्स का, उसमें इस वक्त ये बाइक्स जो हैं ये बेहतर हैं कि आप ये बाइक लें 5 लाख रुपये में, 4.5 लाख रुपये में, जिसने इतना कुछ चलना भी नहीं है, भागना भी नहीं है, उससे बेहतर है कि आप थोड़े ज़्यादा पैसे लें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ जो खड़ी बाइक वो ये बनेली है जी, 180S। ये भी बहुत ज़बरदस्त बाइक है। ये बनेली ने आज से मेरा ख्याल है को 5-7 साल पहले अपने बाइक्स पाकिस्तान में लॉन्च किए थे, उस वक्त इनके पास जो वेरिएंट थे मैं अभी आगे दिखाता हूँ आपको, जो उन्होंने जिन वेरिएंट से स्टार्ट किया था 150 कैटेगरी में, फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर 180 कैटेगरी आई, फिर इनके अब माशाल्लाह 800 cc तक बाइक आ रहे हैं, और बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू लोकल बाइक्स। इसकी बिल्ड क्वालिटी इज़ फार बेटर देन एनी अदर बाइक। ये कहाँ की बेसिकली ये
बेसिकली ये इटालियन बाइक, लेकिन ये बेसिकली ये भी चाइनीज इम्पोर्ट है। ये इसकी प्राइस कितनी, इसकी प्राइस कितनी है गुलबाई इस वक्त? ये तकरीबन 8-8.5 के आसपास, इस वक्त 8.5 लाख तकरीबन 8.5 लाख रुपए के आसपास है ये बाइक। एक वो एंड में खड़ी बाइक, ये इसी जब ये इसी कंपनी ने जब ये बाइक लॉन्च किया था, जब ये कंपनी आई थी यहाँ पे तो बनैली आई थी, इसमें इनका 150 वेरिएंट आया था। ये खड़ा हुआ है, ये दिखाइएगा आप। और इसमें एक वेरिएंट आया था 250, उस वक्त ये इन्होंने दो ही वेरिएंट लॉन्च किए थे पाकिस्तान के अंदर, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था इनका। और फिर वही बात है, इन 150 कैटेगरी ये भी लोकल बाइक्स जो है हमारी उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर है हर चीज़ में। आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देख लें, इसकी शेप देख लें, हमारे पास जबरदस्त नज़र आ रही है। हमारे पास जो यहाँ पे नॉर्मल बाइक्स आती हैं 150 कैटेगरी और 125 कैटेगरी, उनमें उनकी ना शेप है ना कोई उनकी अच्छी चीज़ है। ये एटलीस्ट देखें शेप कितनी अच्छी है, एक बिल्ड क्वालिटी आपको नज़र आती है, एक एक चीज़ की बिल्ड क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, आप ये बताएं कि कितने लोग हैं फैसलाबाद के अंदर के जो के जिनके पास ये हैवी बाइक्स हैं या ये शौक रखते हैं? आप तो जानते होंगे पूरे ग्रुप। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हम लोग भी एक ग्रुप से वाबस्ता हैं फैसलाबाद में, तो हमारे ग्रुप में भी बाइक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी दो तीन ग्रुप्स और भी हैं। तो ऑब्वियसली ये बाइक महंगी है, हर कोई इस शौक को अफोर्ड नहीं कर सकता, जाहिर सी बात है। 14-15 लाख से एक बाइक स्टार्ट हो रही है, तो अब वो जा रही है 2.5-3 करोड़ तक। अच्छा, मैं एक वीडियो देख रहा था, अब्बास शबीर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अभी हाल ही में वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए वहाँ पर गए थे, उन्होंने रॉयल इनफील्ड वहाँ पर दिखाई। जी जी, वो तकरीबन 2.5 लाख इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है उनकी प्राइस वहाँ पर। वो बहुत जैसे ये शेप्स हैं, ऐसी शेप के अंदर बहुत ज़बरदस्त वो बाइक्स हैं। आप कैसे कंपेयर करेंगे पाकिस्तानी बाइक्स और जो इंडियन बाइक्स हैं उनको, प्राइस वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी? रॉयल इनफील्ड यहाँ पाकिस्तान में है किसी के पास? नहीं, रॉयल इनफील्ड मेरे ख्याल में पाकिस्तान में किसी के पास हुई भी तो मेरे ख्याल को 5-7 बाइक होंगे, से ज़्यादा नहीं होंगे, सबसे ज़्यादा नहीं होंगे मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग अपनी आंखों से तो नहीं देखा कि किसी के पास यहाँ पे हो रॉयल इनफील्ड। बाकी रॉयल इनफील्ड की बात है तो भाईजन हमारी हर बाइक ही ना अपनी, जिस तरह पाकिस्तान में एक फेमस ब्रांड है जिसको हम कहते हैं होंडा, होंडा के बाइक्स बहुत चलते हैं, तो रॉयल इनफील्ड वो इंडिया का होंडा है, वहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है, खासकर पंजाब में, वो कहते हैं वो पंजाबी बड़े पसंद करते हैं उसको, वो उसमें उनका एक वेरिएंट है बुलेट कहते हैं उसको, वो लोग तो बुलेट वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी तरह होंडा में हमारे यहाँ पे 125 cc जो 125 जिसको हम कहते हैं इधर हमारे वो मशहूर है। तो बाकी अगर हम कंपेयर करें उसको प्राइस वाइज तो इंडिया का देखें जी, रुपीज़ जो है वो हमारे मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है। चलें 3 टाइम आप कर भी दें उसको तो फिर भी अगर 2.5 लाख की हो तो वो 7.5 लाख की हो जाएगी गाड़ी, लेकिन यहाँ पर तो आप 14-15 लाख से। ये देखें ना, अगर मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि देखें, अभी मैंने आपको बताया कि 70 cc बाइक जो है जिसको 50-60 हज़ार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 2 लाख रुपये की है इस वक्त यहाँ पर। इस तरह की जगह पे आप किसी चीज़ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं जहाँ पे एक 70 cc मोटरसाइकिल जो है वो 2 लाख रुपए की हो? मैं बड़ा ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ आपको, और मॉडल भी वही पुराने से पुराना वही वैसा ही आ रहा है। सर मैं आई बोर्न इन बैक इन 1983, तो मैं तो 1983 से वही मॉडल देख रहा हूँ, वही लाइट देख रहा हूँ, वही इशारा देख रहा हूँ, उसी तरह का इंजन देख रहा हूँ, स्टिकर बदलते हैं यहाँ पे। इंडिया में चीज़ें बड़ी डिफरेंट है, इंडिया में उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा। देखिए जी, मैं छोटा था, आई थिंक हार्डली मैं कुछ 7-8 साल का होऊंगा, तो उस वक्त मैं इश्तिहार देखा करता हीरो होंडा, उनके 3-4 किस्म की कंपनीज़ के ऐड आते थे, उस वक्त वो लोग ऑफर करते थे बड़ी स्पोर्टी लुक वाली बाइक्स, तो हम इन चीज़ों में उनसे ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत पीछे हैं, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। हमारे पास ऑप्शंस होनी चाहिए, यहाँ पे भी लोग ख़रीदते हैं, यहाँ पे भी लोगों को शौक है लेने का। देखें अगर देखें, मैंने तो बात की कि जो बड़ी बाइक है वो बहुत महंगी है, लेकिन छोटी बाइक में तो ऑप्शंस हो सकती है ना, यहाँ पे वो यहाँ पे नहीं है, इंडिया में बहुत से ऑप्शंस हैं। तो बस ये हमारा एक उनसे डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, और ये इसीलिए इंडिया में आप देखें, अभी हमारे एक दोस्त हैं, वो अभी इंडिया का ट्रिप पिछले तकरीबन मेरे ख्याल 1 साल हो गया होगा इब्रार को, मेरे ख्याल 6-7 महीने हो गए इंडिया का ट्रिप किए हुए, उनका चैनल को बड़े फेमस जी जी जी, वो अच्छे हमारे एक दोस्त भी हैं और हमारे हमसाए भी हैं ननकाना साहब से। अच्छा। तो उन वो देख लें, वो भी उस मुल्क में गए हैं, उधर देखें जाके कि उधर उन्होंने जो चीज़ें दिखाई हैं, उनका कल्चर दिखाया है, उसमें उनकी आपने बाइक्स भी देखी होंगी जो लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। बाइक्स को हम छोड़ देते हैं, स्कूटी पर आ जाते हैं, उनके पास देखें स्कूटी में कितनी ऑप्शन हैं। हमारे पास यहाँ पे ले दे के 3 किस्म की स्कूटियाँ हैं, वो भी बेचारी इस तरह की हैं कि उनको कोई मेरे जैसा बंदा चलाएगा तो वो बेचो अधी हो जाएगी, यकीन करें बिल्ड क्वालिटी ऐसी है। देखें हम तो पैसे भरने को तैयार हैं, हमें अच्छी चीज़ भी चाहिए, लेकिन हमें मिलती नहीं है, ये यहाँ पे सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक है। इसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जो कंपनीज हैं वो इस तरह कंपनीज की मोनोपोली है ना जी। देखें मैं आप बड़ी सीधी सी बात है, आप अगर एक चीज़ बेच रहे हैं, देखें ये तो अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल होता है ना, रोटी उसने देनी है, यहाँ पे वो तवक्कल नहीं है, यहाँ पे एक गेम है
जो आपको पता है बिग थ्री, इस तरह होंडा है, सुजुकी है, इस तरह की तीन चार कंपनियां जिन्होंने यहाँ पे ना हमें टेक ओवर किया हुआ है, तो वो कंपनी को जगह नहीं दे रहे, स्पेस नहीं, नहीं, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे, कोई आने की कोशिश भी करती है कंपनी तो उसको आने नहीं देते, एक बहुत बड़ी मोनोपली है, ये सबसे बड़ी वजह यही है। नहीं तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि आप किसी को आने से रोक सकें, ये मोनोपली की वजह से लोग यहाँ पे आते नहीं, डरते आते हुए इन्वेस्ट करते हुए डरते हैं कि जी यहाँ पे पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, आए तो सही, कोशिश तो करें, इनको जो तीन चार बड़े लोग हैं इनको हटाने की कोशिश तो करें, बस ये मसला है। और वो अच्छा ठीक है, आप नहीं आने दे रहे, चलें जी आप होंडा वाले हैं, आप किसी को नहीं आने दे, आप हमें चीज़ तो दें, आप हमें कोई अच्छी चीज़ तो दें, आप हमने, आपने हमें कोई 35 साल से वही 70 के ऊपर बैठाया हुआ है, वही वाइब्रेटर जो हमारा 125 है उसके ऊपर बैठाया हुआ है, बड़ी देर के बाद अब जाके इस हमारी जो नई जनरेशन है उसने देखा है होंडा 125, उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, फिर CB 150F है वो थोड़ा सा वो लेके आए हैं, लेकिन वो भी कोई देखे ना, CB 150F भी 5 लाख रुपये का है, अब उसकी शक्ल नहीं है 5 लाख रुपये वाली, उसमें कोई ऐसी हरकत नहीं है, फिर मैं कंपेयर करूँगा उस 150 को इस 150 के साथ, ये मेरा ख्याल है कम अज़ कम ये कितने साल हो गए होंगे जिस मॉडल को आए हुए, 5 साल हो गए होंगे, 5 साल पहले ये मॉडल आया था, तो अभी स्टिल आप होंडा के किसी नए बाइक से इसको कंपेयर कर ले, नहीं अभी भी नहीं, होंडा का कोई मॉडल भी ऐसा नहीं, अगले 10 साल तक भी होंडा इसके मुकाबले में नहीं आ सकता। तो उसकी वजह क्या, इंडिया में इतनी वैरायटी क्यों है उसकी, वो जगह देते हैं ना, गवर्नमेंट का इसमें मसला है या गवर्नमेंट का मसला है, सबसे मैंने को देखें बताया सबसे बड़ा मसला ही गवर्नमेंट का है, देखें ये सब चीजें गवर्नमेंट के थ्रू आती हैं, आपने कोई चीज एक इम्पोर्ट करनी ना खुद से, ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स है ना, उनके ही लॉ है जिसके ऊपर आपने अमल कर, अब तो मैन्युफैक्चरिंग भी वहाँ पर हो रही है जो रॉयल एनफील्ड, हाँ जी इंडिया में देखें आप उसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे तो हार्ले डेविडसन मैन्युफैक्चर होना शुरू हो गया हुआ, हार्ले डेविडसन वहाँ पे उन्होंने आम कर दिया हुआ है, हार्ले डेविडसन आम कर दिया, रॉयल एनफील्ड को छोड़ दें वो तो ठीक है, उनकी बहुत पुरानी बाइक है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया जिस तरह हमारे पास होंडा है, रॉयल एनफील्ड तो बहुत पुराना है, उन्होंने तो हार्ले डेविडसन आम कर दिया वहाँ पे, आप इंडिया से पाकिस्तानी किसी भी बाइक को क्वालिटी वाइज प्राइस वाइज कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी वो चीज़ें बहुत आगे हैं, उन्होंने जगह दी हुई है, उन्होंने ऑब्वियसली जब आपको 4-5-6 लोग आते हैं तो वो जगह आपकी चलती है, कंपटीशन होता है वहाँ पे, यहाँ पे कंपटीशन बस 3-4 के बीच में ही है, ये कंपटीशन नहीं है, मैं इसको मोनोपोली कहूँगा और ये सियासत है बस, और कुछ नहीं है इसके अलावा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा चला के दिखा देंगे जरा, कोई चीज चलाएं भाई, जना चलाने वाले लोग ही करते हैं, आइए चला के दिखाएं जरा भाई, वीडियो में ही बस, थैंक यू जी। टायर पे चला रहे दोनों, ये तो दोस्तों हम इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमें ज़रा थोड़ा सा ये राइड करके दिखाएं, तो ये अब ये राइड करके दिखाएंगे हमें, तो आपने बातें सुनी इनकी, इन्होंने जैसे बताया कि बहुत ही जो है इंडिया हमसे इस में आगे है, इंडिया की बाइक्स और इंडिया के जितने भी मॉडल्स वगैरह हैं बड़े लेटेस्ट होते हैं, आप भी कर लें बात थोड़ी सी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। का नाम जी? मोहम्मद जमील। अच्छा सर, कितने अरसे से आप ये शौक़ है आपको भाई? शौक़ तो काफ़ी अरसा से है। अच्छा, लेकिन बाइक हमारे पास नॉर्मल सी है। अच्छा, कौन सी बाइक है आपके पास? ये यामाहा YBZ है। अच्छा जी। तो बस शौक़ है, लेकिन अभी वो जो मामला है ना जी, माली मामला, वो इजाज़त नहीं दे रहे। क्या वजह है मसलन ये इतनी महंगी? ये कितने की बाइक है? ये अभी जो है ना वो 4-4.5 की हो चुकी है। 4-4.5 लाख की बाइक है, लेकिन हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, इंडिया में 4-4.5 लाख की तो बहुत अच्छी बाइक मिल जाती है, तो हमारे ये आम जो आप बता रहे हैं कि ये भी इसके रेट जी भी जी नहीं, ये 5 से 12 हो चुकी हैं हमारी, ये जो नॉर्मल बाइक्स है ना 70 है, वो भी एक जो ना छोटा बंदा है ना वो भी नहीं ले सकता, तो बड़ी बाइक तो बंदा सोच भी नहीं सकता कि कैसे ले, लेकिन बहरहाल चले जो अल्लाह ताला को मंजूर है जी, मामला चल रहे हैं। ये हमारी जो कंपनीज हैं जैसे आपने बोला यामा है, होंडा है, ये कब तक ये स्पोर्ट्स गाड़ियाँ जैसे ये वाली गाड़ी आप देख सकते हैं, इस तरह की गाड़ी सोचते हैं आपके कभी ये भी मॉडल इस तरह के लॉन्च करेंगी? करेंगे, लेकिन इनके ना जो प्राइस है ना वो काफ़ी हाईली होंगी और वो 5 से 12 होगी, मसला ये है कि डॉलर का रेट का फ़र्क पड़ता है,
फिर हमारे जो मुल्की मामलात हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से हर बंदा परेशान है। तो बाइक्स की तरफ तो बंदे का देखने को फिर दिल भी नहीं करता। खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो बाइक की तरफ कैसे जाए? बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू जी, शुक्रिया।